मैंने शायद कल ये वाली हेडिंग दिया। हाँ, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर ठीक है बेटा, अब लोग जो लोग आ गए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये रोजे का फर्क तो है बेटा, बच्चों की स्ट्रेंथ पर जो अवेलेबल है यहाँ पर है। तो एनीवे, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग बेटा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक मेजर पार्ट पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और बाकी उसको करके फिर हम रिफ्रैक्शन पे जाएंगे, जहां पर हम स्नेल्स लॉ जैसे मेन इंपॉर्टेंट केसेस लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी ओ एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई में क्या रिलेशन है, और ये सारी चर्चा एक प्लेन मिरर में हो रही है। इस डायग्राम में देखें, एक प्लेन मिरर है, इसके इस साइड में लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट है, और तुम्हें पता है कि जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है, इसकी इमेज भी दूसरी साइड उतनी ही दूरी पे बनती है। तो देखो, हमने एक्स ओ लिखा है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्स आई इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से लिखा है? मिरर से। तो एक बात तो क्लियर होनी चाहिए तुम्हें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर से और पोजीशन ऑफ इमेज मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो पहला तो कंसेप्ट ये हुआ कि डिस्टेंस कहो या पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। बस बड़ा, अगर आपको पोजिशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर आप इसको तवज्जो देनी है तो माइनस में लिख लो। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो ये मिरर से राइट में होता है, तो माइनस साइन लगा सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो फार्मूला कुछ ऐसा बना। तो देखो, अगर मिरर रुका हुआ हो तो इस फार्मूले से ही हमारा काम चल जाएगा, लेकिन कुछ चीजों में ये लोग मिरर को शिफ्ट कर देते हैं। तो कहते हैं बताओ इमेज कितनी दूरी पे बनेगी। उस केस में आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट लगाइए। तुम्हें याद होगा रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू एम होता था, वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ एम। यहां पर वेलोसिटी की जगह एक्स है, पोजीशन है। पोजीशन ऑफ ओ नेचुरली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। पोजिशन ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोजिशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजिशन ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कुछ इस तरह से फार्मूला बन जाता है। आप ये कह सकते हो कि सर अगर पोजीशन इज चेंजिंग, जब बेटा किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है तो हम इसमें डेल्टा लगा सकते हैं। तो देयरफॉर आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स ओ माइनस डेल्टा एक्स एम वुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा एक्स एम। आपको पता है कि आमतौर पर पोजीशन ऑफ मिरर अगर नहीं बदलती है तो डेल्टा एक्स एम को जीरो कर देंगे, अगर पोजीशन ऑफ मिरर बदलती है तो डेल्टा एक्स एम को लेकर के चलना पड़ेगा, करेक्ट? तो इस वाले फार्मूले का उपयोग अभी हम करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, इसको इक्वेशन कुछ स्टार लिख दीजिए। देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड अ प्लेन मिरर इफ मिरर इज मूव्ड बाय 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट then find the distance moved by the image। अब सॉल्यूशन में आए बेटे, देखो ये वाला फॉर्मूला आप लगाइए, डेल्टा एक्स ओ माइनस डेल्टा एक्स एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा एक्स एम। ये अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं, देयर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड अ प्लेन मिरर इफ मिरर इज मूव 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हम ये मानते हैं बेटा ऑब्जेक्ट से अवे का मतलब दाहिने मूव करेगा तो प्लस लेंगे, और कोई चीज बाएं मूव करेगा तो माइनस लेंगे। ये ऑब्जेक्ट से अवे जा रहा है तो प्लस ले रहा है, इसका मतलब डेल्टा एक्स एम जो होगा, देखो डेल्टा एक्स ओ तो चेंज नहीं हुआ, इन्होंने बताया ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, तो डेल्टा एक्स ओ तो जीरो हो गया। क्यों बेटा डेल्टा एक्स ओ जीरो हुआ? देयर इज नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस डेल्टा एक्स एम कितना हुआ बेटा? 10। प्लस 10 लिखेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि राइट साइड में शिफ्ट हुआ। इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स आई पता करना है, इन्होंने पूछा है कि बताइए कितनी दूरी से डिस्टेंस, सॉरी कितनी दूरी से इमेज मूव कर गई। माइनस डेल्टा एक्स एम जो आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा। यह तो यहां पर देखिए माइनस 10 इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स आई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 10, माइनस माइनस प्लस 10। तो
तो देयरफॉर बेटे डेल्टा एक्स आई माइनस ही रखें, या इसको इधर ले आए प्लस ले लेते हैं, और इसको इधर ले जाए तो 10 + 10 = 20 आ जाएगा। तो आप देखिएगा बेटा चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। बोलो बेटा गॉट इट? यस सर। ठीक है, एक आप थोड़ा बात करना चाहेंगे वेलोसिटी वाला मामला। आप ये कर लो, हमने ये मेथड बताया, क्वेश्चन बताया, अब ना वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, अगर आप कर लिए हो, आई होप, मैं क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया था, ऊपर वाला पार्ट हटा ही देते हैं। अब फिर आप देखिएगा हमारी जो मेन हेडिंग है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है, उसके अंतर्गत हमने पोजीशन की भी बात कर ली, तो इसी के अंदर हमने चेंज इन पोजीशन की बात कर ली है। अब मैं सोल्यूशन भी हटा रहा हूं, अब हम वापस आते हैं डायग्राम, सेम डायग्राम में आप देखिएगा हम इस हेडिंग के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। देयर इज ए प्लेन मिरर, फिलहाल ये स्टेशनरी है, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है वो जीरो है। अगर एक ऑब्जेक्ट इसकी तरफ वीओ वेलोसिटी से मूव करता है तो इसमें जो इमेज होती है वो इसकी तरफ ही सेम वेलोसिटी से अप्रोच करती है अगर मिरर स्टेशनरी है। कंसेप्ट क्या है, चाहे मिरर चल रहा हो चाहे स्टेशनरी हो, कंसेप्ट ये है कि बेटा मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मिरर के रेस्पेक्ट में जो इमेज की वेलोसिटी है उनकी वैल्यू सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब देखो अगर ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो ये भी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा अगर मिरर स्टेशनरी है। तो कंसेप्ट ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये कंसेप्ट है, इसका मतलब हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव यानी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये फार्मूला कोई नया नहीं है, इसको याद करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करने हैं, आपको सबको आसानी से याद हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन वन लिख, अब आप इसको रिलेटिव वाले कंसेप्ट से जरा तोड़ लीजिए। देखो इसे लिख सकते हैं वी आई माइनस वी एन इज इक्वल टू माइनस वी ओ माइनस वी एन। अगर इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो वी आई माइनस वी एन इज इक्वल टू माइनस वी ओ प्लस वी एन। हम ये मान के अब आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है और इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। ये सब बेटा वेलोसिटी, जैसे वी आई है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वीएम है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वीओ है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो हम वी आई निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देयरफॉर वी आई इक्वल टू देखो क्या आएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस होगा, 2 times vm हो जाएगा माइनस वीओ, तो दैट वुड बी इक्वल टू 2 vm - vo। वैल्यूज को साइन के साथ ही इसमें रखिएगा, यानी जो चीज दाहिनी तरफ अगर प्लस आप लेते हैं तो बाई तरफ को माइनस लेंगे, करेक्ट? ये है फॉर्मूला। अब जैसे इसमें मैं केस लगा दूंगी, केस वन देखो बेटा, इफ मिरर इज स्टेशनरी, मिरर इज स्टेशनरी, अगर मिरर रुका हुआ है देन वीएम इक्वल टू जीरो होगा, तो वीएम जीरो आएगा। बेटा इस में वीएम जीरो रखो तो देखो वीआई क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा माइनस वीओ। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको आप इक्वेशन एक्स वन लिख लीजिए। बोलो क्लियर बेटे? ये जो लिखा ये पोर्शन हटा दीजिए क्योंकि इसका केस अगला यहां लेना चाह रहा। अब नेक्स्ट आइएगा एक केस, देखिए हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अब हम ये भी तो कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और मिरर जो है वो किसी तरफ कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो लेते हैं देखते हैं फिर बताइएगा। कोई केस अगर टू ले लीजिएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है एंड मिरर, अब दो पॉसिबिलिटी है बेटा, मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हम कंसेप्ट ये ले रहे हैं जो दाहिनी तरफ चलता है उसे प्लस लेंगे, जो बाई तरफ है वो माइनस लेंगे। एंड मिरर मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विद स्पीड, चलो वीएम ही मान लेते हैं, वीएम ये आएगा, तो ऑब्जेक्ट की तरफ मिरर जो है वो वीएम स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है,
तो बेटे आप ध्यान रखिएगा, देन आप कहोगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है और वीएम इक्वल टू माइनस वीएम होगा, क्यों? क्योंकि मिरर लेफ्ट में मूव कर रहा है। इसको इक्वेशन टू में रखें तो इक्वेशन टू कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ माइनस वीएम, और वीओ को जीरो कर देंगे तो बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस टू वीएम, यानी माइनस टू वीएम का मतलब क्या हुआ, इमेज जो है जिधर की ओर मिरर मूव कर रहा है उसके खिलाफ जाएगी कि क्या बता रहा है ये बताओ, लेफ्ट में मूव करेगी, यही तो होगा ना। लॉजिक ही है, जब एक एक थ्योरेटिकल वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, सुनिएगा। मान लें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो तुम कहोगे ये 10 सेंटीमीटर है तो मिरर से ये दूरी 10 होगी, ठीक है। अब मान लो मिरर की वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब मिरर एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। तो पहले जो ये डिस्टेंस थी 10 सेंटीमीटर थी, अब मिरर यहां आ जाएगा तो ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मिरर यहां आ गया, लेकिन रूल क्या है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है और जो इमेज की दूरी वो बराबर आनी चाहिए। तो बेटा ये 2 इधर आ गया है तो इसको 4 इधर आना पड़ेगा एक सेकंड में, क्योंकि देखो ये 4 इधर जब शिफ्ट होगा, देखो यहां से इसकी दूरी 10 थी, अब ये 2 इधर आ गए तो इसको 4 इधर आना पड़ेगा, तभी तो ये दूरी 8 के बराबर आएगी। इसीलिए तो 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी आता है। मिरर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से 1 सेकंड में यहां आया, तो इमेज को बेटा उसकी दुगनी गति से यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से पास आना पड़ेगा। बोले क्लियर है? Yes, तो ये आया माइनस में, यही रूल हम लगा रहे हैं, जो लेफ्ट में है वो माइनस है, तो ये माइनस बता रहा है कि इमेज की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव यानी लेफ्ट में होगी, लेफ्ट में 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर आ जाएगी, करेक्ट। इसी तरह से ये कर सकते हैं कि ये मिरर अगर दाहिनी तरफ मूव करे तब क्या होगा, केस 3, इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड मिरर मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विद वीएम, वीएम से अवे जा रहा है, तो इक्वेशन 2 को जिंदा रखते हैं और हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ऐसे आएगा, तो इस वाले पोर्शन को यहां ले जा रहे हैं, देन वीओ तो 0 हुआ बेटे, लेकिन वीएम जो हो गया दैट इज इक्वल टू प्लस वीएम हो गया, क्यों? इससे अवे जा रहा है, इसका तो राइट में जा रहा है। देयरफॉर इक्वेशन 2, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये प्लस वीएम लिखोगे माइनस 0, तो देयरफॉर वीआई इक्वल टू 2 वीएम आएगा, यानी इमेज जो है वो भी बेटा दाहिनी तरफ 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मिरर मूव कर जाएगी, करेक्ट। या तो ले देखिए, अगर आप इस तरह से इक्वेशन बना ले, हालांकि इस इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से ये आई थी इक्वेशन, वो करना सीख ले तो आ जाएगा नेचुरली। देखो जो हम यहां तरीका लगा रहे हैं केस 1, 2, 3, तो हम इस इक्वेशन का सहारा ले ले रहे हैं, लेकिन मेरा ही मानना होता है कि जब आप पेपर में कर रहे होते हैं तो ये इक्वेशन आप लाना पड़ता है आपको, इसलिए प्रीवियस वाली इससे पहले वाली इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। एक और केस ले लेते हैं जिसमें मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों को घुमा देते हैं, एक कोई केस लेंगे। देखो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ और मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ अगर कुछ गति से चल रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर अप्रोचेज, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद वेलोसिटीज, वेलोसिटीज बेटा हम ले लेते हैं वीओ एंड वीएम, मतलब एक दूसरे को अप्रोच करना है, अप्रोच करने का मतलब ऑब्जेक्ट दाहिनी तरफ चल रहा हो मिरर बाईं तरफ, तो देयरफॉर हियर क्या होगा बेटा, वीओ जो होगा वो प्लस वीओ होगा लेकिन वीएम जो होगा माइनस वीएम होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि मिरर इसकी तरफ अप्रोच करके बाईं तरफ आ रहा है। देयरफॉर इक्वेशन 2 में आप करेस्पॉन्डिंग चेंज करें तो दैट इज इक्वल टू 2 वीएम माइनस वीओ, ये आप जरा वैल्यूज डालते हैं, ये मैं डाल रहा हूं बेटा, देखो वैल्यूज इसमें ये डालते हैं यहां से, तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वीएम, यहां पर क्या था बेटा माइनस वीएम, माइनस वीएम माइनस वीओ प्लस था,
तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस टू वी एम प्लस वी ओ, यानी कि जो इमेज की वेलोसिटी है वो लेफ्ट में मूव करेगी लेकिन उसकी गति में मिरर की वेलोसिटी का दुगना और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐड होगी, करेक्ट? ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन अब है भी बेटे एग्जिस्ट कर रहा, तो मैं बता दूं मैं एक क्वेश्चन इसका वेलोसिटी का भी कराना चाह रहा था। एक सेकंड बेटा, इसमें क्वेश्चन वो भी पॉसिबल है, एक चीज बताइएगा, ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव करे तो क्या है? तुम्हें पता ऑब्जेक्ट अगर इधर की बजाय इधर मूव करने लगे तो इमेज इधर ही मूव करेगी और कोई नहीं उतनी दूरी पे बनी रहेगी, जितनी गति से ये मूव करेगा उतनी गति से ये भी इधर मूव करेगी। तो वास्तव में ये समझ लो कि मिरर के पैरेलल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज में कोई फर्क नहीं होता, सेम डायरेक्शन में मूव करती। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता ये कुछ एंगल पे करता, जो क्वेश्चन दे सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन नहीं करा रहे क्योंकि आप में आते नहीं है, नहीं तो इसको बेटा वेक्टर फॉर्म में जैसे दे दिया ना, टू एक्स आई टू आई कैप प्लस फोर जे कैप, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दे दिया, तो उनके लिए दोनों में अलग अलग डील करना होता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। केवल वेलोसिटी में चेंज मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होता है, पैरेलल में चेंज नहीं होता है, तो वो नहीं करा रहे। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ना, ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, अभी मैं कुछ पढ़ाऊंगा तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर अपने आप उसमें आ जाएगा, ठीक है, हम बता देंगे, याद भी दिला देंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा वेलोसिटी से रिलेटेड, इफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर अप्रोचेस विद वेलोसिटीज 5 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली देन फाइंड स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी बतानी। देखो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब इनके हिसाब से बात करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज पता करना है, जिसको पता करना होता है अननोन को साइन नहीं दिया जाता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बेटे अप्रोच में हम इस डायग्राम को लेके चलते हैं कि ये मिरर होता है और मिरर अगर इतनी वेलोसिटी वी एम इक्वल टू 2 से अप्रोच कर रहा है और ऑब्जेक्ट ये है ये बेटा वी ओ वेलोसिटी इक्वल टू 5 से अप्रोच कर रहा है, तो ये हम प्लस लेंगे बेटा और मिरर की वेलोसिटी को हम माइनस लेंगे, तो आप वी एम को माइनस 2 लोगे इक्वल टू माइनस वी ओ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस 5 लोगे, माइनस वी एम को बेटा आप क्या लिखोगे माइनस 2 लोगे। मैं फिर बता दूं ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है लेफ्ट में है तो माइनस 2 लगेगा, ठीक है माइनस 2 ले रहे हैं। वी आई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस था ये माइनस माइनस 2 आएगा, तो बेटे आप देखिएगा वी आई इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 2, तो वी आई इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आएगा, माइनस का था लेफ्ट साइड में, इसका मतलब है इमेज इज मूविंग विद वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द मिरर, करेक्ट? देयरफॉर इमेज मूव्स, बेटा कई बार डायरेक्शन में भी ऑप्शन में बेटा कभी कभी आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, ऑप्शन में 9 मीटर पर सेकेंड होगा और होगा अवे फ्रॉम द मिरर टूवर्ड्स द मिरर, तो ये बेटा अगर नहीं समझ पाओगे तब तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? यस सर। हाँ, टूवर्ड्स मिरर, क्योंकि नेगेटिव का मतलब लेफ्ट में जाना, लेफ्ट का मतलब इमेज जो है मिरर की तरफ आ रही है, टूवर्ड्स मिरर, तो ये पोर्शन आ गया, आप इसे कर लो। कुछ के वीडियो बेटा एडिट नहीं हो पाते तो वो मैं अगले 2 दिनों में 3 दिनों में डालता हूं, तो किसी को अगर उसका इंतजार हो कि सर वो पार्ट हमने नहीं किया है तो वहां से कर सकते हैं।